हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सी ये दो कलर में डिजाइनर सॉक्स बनानी सिखाऊंगी। ये देखिए, बिल्कुल हमारी लाइन से लाइन ऐसे मिली हुई है, बहुत ही सुंदर इसकी शेप आई है। पूरा पैर आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये बनानी है, डिज़ाइन सीखना है, तो प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, तब ये डिज़ाइन आपकी समझ में आएगा कि मैंने इसको कैसे बनाया है। और अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हम इसमें फंदे डाल लेते हैं। फंदे फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल ही आपको ईजी तरीके से बताऊँगी। सिंगल थ्रेड से हम डालेंगे, एक हम ऐसे नोट बना लेंगे। थोड़े से फंदे डाल के बताऊंगी मैं, क्योंकि मैंने इसका बॉर्डर बना के तैयार कर रखा है। ये देखिए, एक हमने ऐसे नोट लगा ली। नोट लगाने के बाद ऐसे बनाएंगे। एक हमारा नोट से हो गया, दो, ध्यान से देखिए, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। इसी तरीके से आपने इसमें फंदे डालने हैं। लूज लूज डालने हैं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं डालने हैं। और देखिएगा, फंदे डालने के बाद आपने ऐसे उल्टा उल्टा बनाना है। अगर फ्रेंड्स आप सीधे में कंफर्टेबल हो तो आप सीधा बनाइएगा, और उल्टे में हो तो आप उल्टा उल्टा बनाइएगा। ये देखिए, इस तरीके से फंदे डाल के और हम ऐसे बना लेंगे। ध्यान से देखिएगा, किनारे वाला फंदा हम थ्रेड पीछे करके इसको हमें सीधा बनाना है। पलट लेंगे, सेकंड रो देखिए, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, और इस साइड से भी हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। दोनों साइड से हमने ऐसे ही बनाना है। अगर आप सीधा बनाओ तो दोनों साइड से सीधा सीधा बनाओगे तब भी हमारा ऐसा ही बनेगा, और उल्टा उल्टा बनाओगे तब भी ऐसा ही बनेगा। देखिए, दोनों साइड का फंदा आपने ऐसे थ्रेड पीछे करके सीधा बना देना है। ये देखिए, दो लाइन, दो रो बनाई है तो हमारी ये एक लाइन बन गई दोनों साइड। एक बार फिर से देखिएगा, ये देखिए, फर्स्ट वाला उतार लेंगे और फिर से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, किनारे का फंदा ऐसे सीधा बनाएगा, बहुत ही प्यारी यहाँ पे फिनिशिंग आएगी। देखिए, लास्ट बार और देख लीजिए, फोर्थ रो है, फर्स्ट वाला उतार लेंगे और ऐसे उल्टा उल्टा बना देंगे। चार रो फ्रेंड्स मैंने आपको उतार के दिखा दी हैं। ये देखिए, इसको हम सीधा बना देंगे। चार रो उतारी हैं तो हमारी ये दो लाइन बन गई हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से 80 फंदे डाल के, 80 फंदे डालने के बाद, और इस तरीके से मैं उसमें 10 लाइन बनाऊंगी। टोटल दोनों साइड से गिनेंगे तो 20 रो, और ये लाइन गिनोगे तो 10 लाइन में ये आपको डालनी है। तो मैंने तैयार कर रखा, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। 10 रो मैंने ये बना रखी हैं, 20 रो होगी। और ये हम उल्टी साइड हैं, ये हमारी सीधी साइड है, ये हम उल्टी साइड। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें एक कलर और ऐड कर लिया है। तो अब हम ये सारे ही फंदे ऐसे उल्टे उल्टे बनाएंगे। इस साइड से हमने अपना इसमें कलर लगाया है, बहुत ही सुंदर, और ये बनाने में आसान है। आप इनके दोनों के यहाँ पे नोट लगा दीजिए, या आप ऐसे अंदर थोड़ा सा इनको दबा लीजिए। ये देखिए, पूरी रो मैं इसी तरीके से बना के कंप्लीट करूँगी एंड तक। ये देखिए, पूरी रो मैंने उतार ली है। अब पलट लेंगे, अब हम सीधी साइड हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे जाली का डिज़ाइन डाल लेंगे। फर्स्ट वाला फंदा उतार लिया, थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, और ये देखिए, दो का एक कर देंगे, और एक हमने पहले ही
फंदा अपना बढ़ा लिया था। फिर से आगे करेंगे, फिर से दो का एक कर देंगे। तो जाली से हमारा ये फंदा एक यहाँ पे, जैसे ही हमारा दो का एक हुआ तो पहले ही हमने जाली से फंदा बढ़ा लिया, ये देखिए। फिर आगे करेंगे, पूरी रो हमने इसी तरीके से बनानी है, ये देखिए। फिर से आगे करेंगे, फिर से हम इसमें जाली डाल देंगे, थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, दो का एक करके इसको ऐसे सीधा बना देंगे। तो ये देखिए जो फंदा हमारा कट गया वो साथ में हमने बढ़ा लिया वापस, ये देखिए। आगे करेंगे, दो का एक करेंगे, थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, दो का एक करेंगे, थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, दो का एक करेंगे, थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, दो का एक करेंगे। पूरी रो हमने इसी तरीके से बना के कंप्लीट करनी। ये देखिए फिर से मैंने आगे थ्रेड कर लिया है, ये लास्ट के ये दो फंदे हैं, इनका भी मैं दो का एक कर दूँगी। इसको हम ऐसे ही सीधा बना देंगे। तो देखिए जितने भी फ्रेंड्स हमने फंदे कटाए हैं, दो का एक किया है, तो हमने साथ साथ एक एक फंदा इसमें बढ़ा लिया। अब हम आगे बैक साइड में, बैक साइड से देखिए इसको हम बहुत ही डिजाइनर बनाएंगे। फिर से मैं इसमें येलो थ्रेड लगाऊंगी। ये जो नीचे येलो थ्रेड था फ्रेंड्स मेरा, ये छोटा हो गया था, तो मैंने यहाँ से दूसरा लगाया और उसको मैंने नीचे पक्का कर दिया था। और ये देखिए इसको आप ऐसे टाइट कर लीजिए और इसको थोड़ा सा आप अंदर दबा दीजिए या यहाँ पे इसकी नोट लगा दीजिए। ये देखिए पूरी रो हम इसी तरीके से, ये जाली वाला फंदा भी उल्टा बनाएंगे और ये भी ऐसे उल्टा बना लेंगे। तो पूरी रो मैं ये उल्टी उल्टी बना के लास्ट तक कंप्लीट करूँगी। ये देखिए एंड तक मैंने इसको उल्टा उल्टा बना लिया है, पलट लेंगे। ये देखिए बहुत सुंदर इसकी लुक आएगी। और अब हम ये यहाँ पे सीधी साइड से भी, उल्टी साइड से भी मैंने उल्टा बनाया है। जैसे हमने नीचे का ये बॉर्डर बनाया है ऐसे ही मैं यहाँ पे ये लाइन बनाऊंगी। देखिए बहुत सुंदर इस डिज़ाइन की लुक आएगी। तो पूरी रो में इसी तरीके से उल्टा उल्टा बनाती हुई इस रो को मैं कंप्लीट करूँगी। ये देखिए सीधी साइड से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। दो रो हम बीच में ऐसे ही सिंपल बनाएंगे जैसी मैंने ये बनाई है, और फिर से हम जाली का डिज़ाइन इसमें डालेंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरी रो उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाऊंगी। पूरी रो मैं ये उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाऊंगी, सीधी साइड से भी मैं उल्टा उल्टा बना के, और मैं यहीं से फिर आपको दोबारा से फिर से एक बार दिखाऊंगी। तो मैं दो रो उतार देती हूँ बीच में। ये देखिए जाली डालने के बाद मैंने ये ऊपर चार रो बना ली हैं। एक बार फिर से हम ये जाली का डिज़ाइन डालेंगे। तो देखिए ये रो हम बिल्कुल ही सिंपल बनाएंगे उल्टी उल्टी, क्योंकि हमारी बैक साइड है तो इसी साइड से हम अपना थ्रेड चेंज करते हैं। तो देखिए पूरी रो में इसी तरीके से उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए पूरी रो उतार ली है। अब जैसे पहले हमने किया था, एक फंदा हम उतार लेंगे, थ्रेड अपनी तरफ करेंगे और ये दो का एक करेंगे। थ्रेड अपनी तरफ करना मत भूलिएगा, तो हमारा फंदा यहीं पे कम हो जाएगा। पहले थ्रेड अपनी तरफ करिएगा और फिर दो का एक करिए। थ्रेड अपनी तरफ किया, फिर से दो का एक किया, थ्रेड अपनी तरफ किया, फिर से दो का एक किया, थ्रेड अपनी तरफ किया, फिर से दो का एक किया। पूरी रो हमने इसी तरीके से बनानी है, थ्रेड अपनी तरफ किया और दो का एक किया। ये पूरी रो मैं इसी तरीके से बना के कंप्लीट करूँगी। देखिए पूरी रो हमने जाले डालते हुए उतार ली, लास्ट का फंदा हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए अब हम पलट लेंगे और अब हम
इससे बनाएंगे। दो रो बीच में हम सिंपल बनाएंगे, उसके बाद फिर हम ये अपने फंदे डिवाइड करेंगे। ये देखिए, इसको थोड़ा सा टाइट कर दीजिए और पूरी रो मैं इसी तरीके से ये बना के कंप्लीट करूँगी। और इस वाले थ्रेड को फ्रेंड्स हम साथ साथ ले आएंगे, क्योंकि अब हम इसको बीच में बाद में लगाएंगे, या आप बीच में दूसरा जोड़ लीजिए या इसी को आप ले आइए। देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस और ये चालीस। चालीस फंदे हो गए फ्रेंड्स, हमारे अस्सी फंदे हैं। तो देखिए, बीच में साइड साइड से मैं इसको यहाँ पे थ्रेड को ले आई हूँ। अभी इस रो में हम नहीं बनाएंगे, आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमने ये बीच में बैक साइड से एडजस्ट कर लिया है। और ये पूरी रो में आगे येलो से बनाऊँगी, इस थ्रेड को हम यहीं पर छोड़ देंगे और पूरी रो में ये लास्ट तक यहाँ तक बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, पूरी रो हमने उतार ली है उल्टी साइड से, और सीधी साइड से भी मैं इस रो को लास्ट तक बनाऊँगी। ऊपर हम ये एक ही लाइन बनाएंगे, नीचे जैसे हमने दो बनाई थी ऊपर मैं एक ही बनाऊँगी। ये देखिए, इसी तरीके से पूरा मैं यहाँ एंड तक इसे बना लेती हूँ। ये देखिए, ये वाला डिज़ाइन हमारा जाली डालने का हो गया कंप्लीट। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये हमारा थ्रेड यहाँ पे बीच में है, तो ये सारे फंदे मैं ऐसे बिना बनाए इस निडल में ऐसे ही उतार लूँगी। येलो वाला थ्रेड हमने यहीं पे छोड़ दिया है। तो देखिए, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, इसी तरीके से मैं इसमें चालीस फंदे ले लूँगी। ये देखिए, चालीस फंदे हमारे इस साइड हो गए और चालीस फंदे हमारे इस साइड हो गए। एक फंदा हमने बीच में एक्स्ट्रा लेना है, तो एक इस साइड से लेंगे और एक इस साइड से, और यहाँ पे दो का एक कर देंगे। जैसे मेरे में अस्सी फंदे थे तो आप 81 भी डाल सकते हो, तो बीच वाला फंदा आप ऐसे आपका आ जाएगा। मैंने ये बना लिया, तो अब देखिए, ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड है, तो सीधी साइड से मैं इसको फंदे को एक बार मैं बना लूँगी। ये देखिए, अब इस साइड से दो फंदे, दो का हम एक करेंगे। ध्यान से देखिए, पलट लेंगे इसको, हम ऐसे ही उतार लेंगे और इस साइड से इसको हम बना लेंगे, और यहाँ पे भी हम दो का एक करेंगे। ये देखिए, हमारे फंदे हो गए तीन, पलट लेंगे। ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, और ये देखिए, दो तीन, ये सीधी साइड है हमारी। देखिए, तो सीधी साइड से हमने बैक साइड से जाके दो का एक करना है, फिर यहीं से हम मुड़ जाएंगे। चार फंदे हो गए हमारे, इस वाले को इस साइड से ऐसे उतार लेंगे। देखिए, दो दो
तीन, चार और ये हो गए हमारे पांच। धागा पीछे करेंगे, सीधी साइड है सॉरी, धागा पीछे ही रखेंगे तो फर्स्ट वाले को उतार लेंगे और ये हम सीधा बनाएंगे। देखिए दो, तीन, चार, पाँच और दो हम इस साइड से ले लेंगे, ये हो जाएंगे छः। तो फ्रेंड्स बीच के फंदे हमारे ये बढ़ते जाएंगे, ये फंदे हमारे घटते जाएंगे दोनों साइड से। एक बार फिर से देखिए, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। देखिए दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये देखिए दो का एक कर दिया, ये हो गया हमारे सात। इसको ऐसे ही उतार लेंगे, ये देखिए इसी तरीके से आपने ये ऊपर तक बनाना है। बीच में फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे, बहुत सुंदर इसकी लुक आएगी। ये देखिए फिर से ऐसे हमने इसमें दो का एक करना है, ये देखिए पलट लेंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं ये बना लेती हूँ। ये इस साइड मेरे 21 फंदे बच जाएंगे, इस साइड भी मेरे 21 फंदे बच जाएंगे। तब तक मैं इसी और बीच में फंदे हमारे ये बढ़ जाएंगे। देखिए बहुत ही सुंदर हमारा ये फ्लावर बनेगा, फ्लावर की लुक आ गई है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ थोड़ा सा बना के, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ऐसी हमारे फ्रेंड्स इसकी लुक आई है। अब देखिए यहाँ पे मेरे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और ये दस, बीस और ये इक्कीस, इक्कीस फंदे हैं। तो देखिए फिर से हम एक फंदा यहाँ पे घटा देंगे और यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। देखिए और इस साइड देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, बीस और इक्कीस और एक फंदा हम इस साइड से भी घटा देंगे। देखिए हमने बराबर फंदे सारे अब तक घटाए हैं। अब ये पूरी रो में अब हम इसके बाद फंदे नहीं घटाएंगे, अब हम ऊपर का बनाएंगे। ये लास्ट फंदा मैंने आपको घटा के दिखा दिया है। इस रो को मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ तक हमने सारे फंदे बना लिए हैं। आगे के फंदे देखिए फ्रेंड्स अब हम नहीं बनाएंगे, बिल्कुल हम सेम रो उतारेंगे, किसी साइड से भी कम और ज़्यादा हम नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमारे डिज़ाइन की लुक ख़राब हो जाएगी। ये देखिए सारे फंदे मैं इस निडल में ऐसे ही उतार लूँगी। ये थ्रेड हमने यहीं पे छोड़ दिया है। अब ये देखिए बिल्कुल हमारी इक्वल रो हैं सारी की सारी, ये देखिए। अब देखिए अब हम ये येलो थ्रेड हमारा है इस साइड, अब हम इसका यूज करेंगे। ये सारे फंदे हम अब येलो से बनाएंगे, ये देखिए। पे ऐसे आप नोट लगा के इसको काट दीजिए थ्रेड को। यहाँ पे नोट लगा दी है, थोड़ा सा हम इसको अंदर भी दबा देंगे। बैक साइड से भी हम इसको बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना के कंप्लीट करेंगे। तो सारे ही फंदे में बना लूंगी,
बिल्कुल हमारी एक जैसी रो होंगी दोनों तरफ। देखिए यहाँ पे गैप नहीं है, अगर गैप लगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप बीच में से कोई फंदा उठा के ऐसे गैप ख़त्म कर दीजिए। ऐसे गैप है नहीं, ऐसे दो का एक कर दीजिए। ये देखिए अगर आपको लगे तो, और ये फंदे भी मैं सारे ही बना लूँ। ये देखिए अब ये पूरी रो में ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के लास्ट तक मैं इसे कंप्लीट करूँगी। तो मैं बना लेती हूँ। ये देखिए सीधी साइड से मैंने इस रो को उतार लिया है। फिर से देखिए ये पूरी रो में इसी तरीके से बनाऊँगी। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे दो रो और बनाऊँगी, तो यहाँ पे हमारी चार धारी बन जाएंगी और दो हमारी यहाँ पे बीच में बन जाएंगी। फिर उसके बाद मैं आपको ऊपर का दिखाऊँगी। देखिए ये यहाँ पे एक दो तीन चार धारी हमारी यहाँ पे हो गई हैं, और ये देखिए फ्रेंड्स एक दो यहाँ पे ये पूरी कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए फिर से हम ये कलर लगाएंगे, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो ऊपर जाली भी डाल सकते हो जैसे हमने नीचे डाली थी, और ऐसे आप सिंपल बनाओ सीधी तरफ से भी उल्टा और उल्टी तरफ से भी उल्टा। तो ऐसे ही हम जैसे हमने येलो की लाइन बनाई है ऐसी ही मैं दो लाइन इसकी भी बना लूँगी। इस लाइन को हम सीधा उल्टा उल्टा बनाएंगे, फिर सीधी साइड से भी उल्टा उल्टा बनाएंगे। इसी तरीके से मैं यहाँ पर चार रो इस कलर की उतारूंगी, उसके ऊपर फिर हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने चार रो बना ली हैं, सिंपल बनाई है, आप चाहो तो ये जाली यहाँ पे भी डाल सकते हो। अब देखिए अब ऊपर हम बॉर्डर बनाएंगे। इस थ्रेड को अब आप काट दीजिए, काट के और इसके साथ और इसकी आप यहाँ पे नोट लगा देना। अब देखिए ऊपर हम एक ही कलर से बनाएंगे, बॉर्डर बनाऊंगी मैं आप ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारे यहाँ पे 60 फंदे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा लगे, पैर की फिटिंग ना आए, तो देखिए बीच में से चार पांच फंदे आप ऐसे कम कर सकते हो। एक बार यहाँ पे कर लिया, फिर यहाँ पे यहाँ ऐसे बीच बीच में से पाँच फंदे आप कम कर लीजिए अगर आपको ये ऊपर से इसकी फिटिंग ठीक ना आए तो। ज़्यादा फंदे हो तो आप ऐसे कम कर लीजिए। एक मैंने यहाँ पे कम कर लिया, एक थोड़ा सा बना के फिर कर लूँगी मैं कम, थोड़े थोड़े गैप देके ऐसे आप कम कर दीजिए। देखिए हमारे फंदे भी कम हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। दो फंदे मैंने घटा लिए हैं, तीन फंदे मैं और घटाऊँगी, 55 फंदे रह जाएंगे मेरे। 55 फंदे का मैं ऊपर बॉर्डर बनाऊंगी, तो आप भी ऐसे फंदे घटा लीजिए अगर आपको ज़्यादा लगे तो। ये देखिए ये मैंने तीसरा फंदा घटा दिया। मैं ऊपर ये छोटा सा बॉर्डर बनाऊंगी, उसके बाद मैं दिखाऊंगी हम फंदे बंद कैसे करेंगे। ये देखिए ये मैंने चौथा फंदा घटा दिया, एक मैं किनारे पे घटा दूंगी जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में घटाया था। तो बिल्कुल इक्वल हमारे फंदे हो गए बीच बीच में से। हमने लगातार हमने पांच फंदे नहीं घटाने हैं, चार पांच जो भी आप कम करो, थोड़े थोड़े गैप देके आपने फंदे कम करने हैं। देखिए एक उस किनारे पे घटाया था तो एक मैंने यहाँ घटा दिया, पांच फंदे घटा दिए और बीच बीच में मैंने कम किए हैं। ये देखिए अब इस साइड से भी मैं ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाऊंगी, ये बॉर्डर बना लेती हूँ मैं, फिर हम ये सारे फंदे बंद कर देंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ।
ये देखिए ऊपर मैंने चार लाइन ये बना ली हैं। इस तरह से हमारे डिजाइन की लुक आई है। अब ये सारे ही फंदे हम बंद कर देंगे। ये देखिए दो का एक किया, वापस डालेंगे, फिर से दो का एक किया, वापस डालेंगे, फिर से दो का एक किया, वापस डालेंगे, तो सारे ही फंदे मैं ऐसे बंद कर लूँगी। ना ज़्यादा लूज बंद करने हैं आपने, ना ज़्यादा टाइट बंद करने हैं। ये देखिए थोड़े से ऐसे स्ट्रेचेबल रहे, इस तरह से बंद करने हैं। तो मैं सारे ही फंदे बंद कर लेती हूँ। हम ये रख के ये काट देंगे, इसी से हम इसकी सिलाई कर लेंगे, डाल के ऐसे इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी अंदर की, ये बाहर की साइड रखेंगे हम, ये जो उल्टी साइड है सीधे साइड अंदर करेंगे और ऐसे हम इसकी सिलाई करेंगे। आप एक बार देख लीजिए, बिल्कुल हमारी ये लाइन से लाइन ऐसे मिलनी चाहिए, बिल्कुल बहुत ही सफाई के साथ हम इसकी, इसी थ्रेड को मैं सुई में डाल लूँगी, इसकी हम ऐसे सिलाई करेंगे और फिर हम इसकी ऐसे यहाँ तक इसकी सिलाई कर देंगे। तो मैं सुई में ये थ्रेड डाल लेती हूँ। देखिए सुई में मैंने धागा डाल लिया है। सबसे पहले हम इसको ऊपर से अच्छे से पक्का कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये हमारा चेन वाला फंदा है, हम इसको उठाएंगे और इस साइड से उठाएंगे, ऐसे हम इसकी सिलाई करेंगे। बहुत ही सफाई के साथ आप इसकी सिलाई करिएगा। जो भी आपका तरीका हो सिलाई करने का, वैसे ही आप इसको सी लिएगा। अब ये देखिए ये लाइन है हमारी, ये बिल्कुल आप ऐसे इसको ऐसे मिला लीजिए और फिर ऐसे पकड़ के और ऐसे आप इसकी सिलाई कर दीजिए। देखिए फिर ये हमारी ये येलो लाइन है, ये येलो लाइन भी ऐसे लाइन से लाइन आप ऐसे मिला लीजिए। तो ऐसे ही आप बहुत ही सफाई के साथ आप इसकी सिलाई करिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। और मैं यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको पैर में डाल के दिखाऊँगी इसकी लुक कैसी आई है। एक बार और हम इसको पक्का कर लेंगे। अब मैं इसको पैर में डाल के दिखाऊंगी कि इसकी लुक कैसी आई है। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर इसकी लुक आई है, बिल्कुल ही डिजाइनर सॉक्स बनी है। पूरा पैर आपका इसमें कवर हो जाएगा, तो बहुत ही सुंदर डिजाइन है। अपनी पसंद से आप इसमें कलर कंट्रास्ट लगाइएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।